हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज बनाया था मैंने जो है गोंद के लड्डू। काफ़ी ज़्यादा हेल्दी होता है, ठंड अभी थोड़ी कम हुई है, लेकिन अभी महीनों तक आप इसको खा सकते हैं। कमर दर्द, पैर दर्द में काफ़ी ज़्यादा सर्दी जुकाम बच्चों को ना हो। इस समय एग्जाम बच्चों के शुरू हो रहे हैं, बहुत से बच्चों के हो रहे हैं शुरू होने, आप उनको एक दे सकते हैं, उनकी यादाश्त काफ़ी तेज़ होगी। और माइंड मत करिएगा, बारात जा रही है तो बाजा बज रहा है। तो बस ये मैंने तिल भून लिया था एक कटोरी, फिर मैंने मूंगफली भून लिया था दो कटोरी, क्योंकि मूंगफली की मुझे दो चीज़ें बनानी थी, चिक्की भी बनानी थी। दोनों चीज़ों को भून के, बिना घी के भून के मैंने हटा दिया था। फिर मैंने डाला था दो बड़े चम्मच घी, उसमें मैंने गोंद को भून के, गोंद जब घी अच्छे से गर्म हो जाए गैस को मीडियम कर दे और जो डालेंगे गोंद फूल जाती है, उसके बाद उसको निकाल लें। तो हमारी गोंद जो है तुरंत डालते ही फूल जाती है, तुरंत निकाल लिया था मैंने। इस तरह करके दो तीन बार में मैंने गोंद को भून लिया था। फिर उसी में मैंने डाल दिए थे कुछ, मतलब बादाम डाले थे और काजू डाले थे घी में डाल के, उसको भी भून के मैंने निकाल लिया था। ये सारी चीज़ें बराबर से चलाते हुए भूने, और बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है सारी चीज़ों को भूनने में, एक एक दो दो मिनट लगते हैं। और जो भी ड्राई फ्रूट्स आपको पसंद है आप डाल सकते हैं, या फिर स्किप भी कर सकते हैं अपनी पसंद के हिसाब से। थोड़ा बहुत ड्राई फ्रूट्स क्योंकि ज़्यादा हेल्दी होते हैं तो ज़रूर डालें। फिर थोड़ा थोड़ा करके सारे ड्राई फ्रूट्स डाले थे, मेरे पास थे नहीं है तो स्किप कर दें, या जो पसंद हो वो भी वही डालें। तो फिर मैंने वो निकाल दिया था, बादाम और काजू निकाल दिया। तो उसी में मैंने थोड़े से किशमिश घी में डाल के, किशमिश जो डालो, घी थोड़ा कम हो गया था लेकिन मैंने अलग से घी नहीं डाला था, क्योंकि चार बड़े चम्मच घी डाले थे तो इससे ज़्यादा नहीं। फिर उसी में मैंने भून दिया था, डालते ही किशमिश भी अगर ज़्यादा घी रहता है तो फूल जाती है, लेकिन थोड़ा सा एक मिनट का टाइम लगा, वो भी अच्छे से भून गए। गैस को लो ही रखें तो ये सब ड्राई फ्रूट्स तुरंत जल जाते हैं। फिर इधर मैंने जो है किशमिश को निकाल लिया था, थोड़े से मेरे पास चिरौंजी थे, चिरौंजी को भी डाल के उसी में थोड़ा सा एक मिनट तक मैंने सोटे कर लिया था, यानी उसको भी भून के निकाल लिया था। तो सारी चीज़ों को आप घी में भून के निकाल लें, बस मूँगफली और तिल को घी में ना डालें। और धीरे धीरे करके सारी चीज़ों को मैंने एक एक प्लेट में थाली में फैला दिया था, ताकि सारी चीज़ें अच्छे से ठंडी हो जाए। तो बस ये ड्राई फ्रूट्स मेरी लगभग भून चुकी थी। अब मैंने जो है लास्ट में डाल दिया था ताल मखाना, क्योंकि ताल मखाना लास्ट में ही डालना चाहिए, नहीं तो ताल मखाना कितना भी घी डालिए उसको तुरंत पी जाती है या तुरंत सूख लेती है। इसलिए कभी भी घी ताल मखानों को भुने तो लास्ट में भुने, या घी में डाल के भी भून सकते हैं, या फिर बिना घी के भी भून सकते हैं, अपनी अपनी पसंद है। जैसा अगर घी कम पसंद करते हैं तो इसको बिना घी के ही भुने। तो ये भी जस्ट दो से तीन मिनट लगती है, गैस बराबर से चलाते हुए भुने और एकदम दाब के देखिए एकदम टूट जाती है। तो ये हमारी भुन चुकी है। तो बस ताल मखाना भी मेरी भुन गई थी, कलर थोड़ा सा बदल जाता है। तो सारी ड्राई फ्रूट्स को मैंने भून के किनारे जो है रख दिया था। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मेरा कोई भी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो बस ये देखिए गोंद हाथ से ही मसल दे, अगर आप चाहें तो मिक्सी में भी एक बार चला के पीस सकते हैं, तो मैंने गोंद को हाथ से भी मसल सकते हैं। और सारे ड्राई फ्रूट्स को मैंने धीरे धीरे करके मिक्सी में पीस लिया था, और फिर रख दिया था मैंने कढ़ाई, उसी कढ़ाई में को पोंच के मैंने रख दिया था। फिर उसमें आधा चम्मच घी डाला था। तो सबसे पहले मैंने बनाई थी मूँगफली और तिल की चिक्की, तो फिर मैंने उसमें डाल दिया था आधा कटोरी जो है चीनी। और इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं पड़ता है, बराबर से गैस को लो, एकदम लो रख के और बराबर से चलाते रहें, नहीं तो जो है चीनी में पानी नहीं है तो जल्दी से वो जो है पकड़ लेगी नीचे। फिर इधर जो है मैंने मूंगफली का दो टुकड़ा कर लिया था, तो अभी जो है चिक्की अच्छी बनती है। और उसमें मैंने जो है थाली के ऊपर घी लगा दिया था, और थोड़ा सा मैंने बेलन के ऊपर भी लगा दिया था, तो इससे जो है मूँगफली अच्छे से, चिक्की अच्छे से बेल जाएगी और काफ़ी ज़्यादा बनने में आसानी रहेगा। फिर मैंने जो है थोड़े से बादाम और काजू का जो पाउडर बनाया था उसको भी मैंने मूंगफली में डाल दिया था, साथ में तिल का डाल दिया था, क्योंकि मेरा बेटा जो है लड्डू आज नहीं खाता या ड्राई फ्रूट्स पसंद नहीं करता है, लेकिन इस तरह से बना दो तो समझ नहीं पाता है कि क्या क्या डाल के बनाओ, तो चिक्की बना दो तो खा लेता है। तो बस थोड़ा सा हेल्दी रहे तो उसने बोला था गुड़ के, आप चीनी की जगह गुड़ की भी चिक्की बना सकते हैं, लेकिन उसने चीनी का बोला था तो मैंने बना दिया था। तो बस ये देखिए चीनी जो है धीरे 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 करके जो है पिघल गई थी, करमल एकदम बन गया था। थोड़ा सा इस चीनी वाली चिक्की में पिघलने में थोड़ा सा टाइम लगता है, 5 से 7 मिनट का, लेकिन गैस को लो ही रखें, बराबर से चलाते रहें पेशेंस के साथ, तो ये हो जाता है। और जो ही चीनी पूरी अच्छी तरह से पिघल जाए उसके बाद थोड़ा भी वेट नहीं करना है कि हमें तार की चाशनी या कुछ भी देखना है। तो बस तुरंत पिघल गई थी। फिर जो भी मूँगफली या तिल का पाउडर था मैंने उसमें डाल के तुरंत गैस को डालते ही गैस को ऑफ कर दिया था, नहीं तो सारी चीज़ें तुरंत जम जाती है। और तुरंत ही थाली पर मैंने पहले से घी निकाला लगाया था, तो सारी चीज़ों को अच्छे से मिला के कढ़ाई में तुरंत ही मैंने जो है निकाल दिया था। और तुरंत ही हाथ पे जो है हल्का हल्का सा पानी लगा के एकदम गर्मा गर्म, थोड़ी सी हाथ जलने लगती है लेकिन गर्म
गर्मा गर्म इसको करना पड़ता है, तो बस उसको डाल दिया था और चिक्की को बेलन से बेल लिया था। जैसे भी बेलें उसको तुरंत बेल दें, बेल करके जो है एक साइड में रख दें और चिक्की तुरंत ही जम जाती है, या फिर थोड़ा 10 मिनट के लिए रख दें। तो बस मैंने ऐसे करके बेलन से उसको देखी कितनी बड़ी चिक्की बनी है, पूरी थाली भर के, एकदम बराबर नहीं बना है लेकिन चलो कोई बात नहीं, खाना ही है तो घर के लिए बना है। फिर मैंने जो है उसको बेल के अलग रख दिया था, इधर रख दिया था। फिर उसी कढ़ाई में मैंने जो है डाल दिया था 1-2 चम्मच पानी और गुड़ डाल दिया था, क्योंकि सारी चीज़ों में जो है किशमिश भी थी, मीठा था, तो मैंने गुड़ थोड़ा ही डाला था कि ताकि ज़्यादा मीठा ना हो, लेकिन काफ़ी ज़्यादा जो है हेल्दी होती है गुड़, गर्म भी होता है, तो इसलिए इसका यूज़ ज़रूर करें। तो बस इधर मेरी जो है बन रही थी, तब तक मैंने जितने भी पाउडर थे और वो सारे जो है एक जगह मिक्स कर लिया, तेल मिला दिया, सारे ड्राई फ्रूट्स को पीस करके साथ में उसको भी क्रश कर लिया था गोद में और सारे मिला लिए। तो सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया था। बारह देखिए अभी भी आवाज़ आ रही, काफ़ी ज़्यादा तेज जा रही थी, डांस कर रही थी, बीच में मैंने थोड़ा सा छोड़ दिया था। रात में जो है वॉइस ओवर कर रहे हैं तो इसलिए आवाज़ आती है, क्योंकि लगन है। और इधर देखिए मेरी जो है चाशनी तैयार हो गई थी, चाशनी को पानी में डाल के देखिए एकदम गोल हो जा रही है, तो चाशनी तैयार है। तो बस उसको मैंने जो जितने भी ड्राई फ्रूट्स थे, गोद का पाउडर था, एक साथ मिला के उस पर डाल दिया था। थाली में ही डालें, नहीं तो कढ़ाई में डालेंगे तो तुरंत जम जाएगी, तो फिर बांधने में दिक्कत होगी। फिर मैंने थाली में रख के अच्छे से मिला लिया था सारी चीज़ों को। बैठ के ही मैं ज़्यादातर काम करती हूँ, क्योंकि खड़े होकर थोड़ी दिक्कत महसूस होती है। तो फिर हाथ जब पलटिस मिला लिया था तो हाथ में थोड़ा थोड़ा पानी लगा के फिर इसको मिला लें, एकदम गर्मा गर्म ही मिलाएं, थोड़ा भी ठंडा ना होने दें, यानी तुरंत ही काम करें, नहीं तो तुरंत ही जम जाती है। तो थोड़ा सा पानी लगा लगा के करें तो हाथ जलता नहीं है। फिर मैंने सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके लड्डू बना लिया था। आप चाहें तो इसको जो है पेड़े की तरह भी दाब दाब के बना सकते हैं, जैसी अपनी पसंद है वैसे बना सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा हेल्दी होती है, टेस्टी होती है, सर्दी जुकाम में बच्चे भी फायदा करता है, कमर दर्द, पर दर्द, हर चीज़ के लिए। तो बच्चे बूढ़े सभी को दे सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के